दिस इज द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ना इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको ए वाला क्वेश्चन बता दिया था, बी वाला क्वेश्चन भी ए जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रेमा ने स्कूल 219 डेज अटेंड किए और उसकी टोटल अटेंडेंस कितने परसेंट थी, 75। ये दोनों सेम है तो वो बोल रहे हैं टोटल हाउ मेनी डेज स्कूल ने वर्क किया, मतलब टोटल डेज निकालना है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज बी एक्स, तो x का 75% 219 है। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है ये, यस दिस वन टोटल वर्किंग डेज x है, x का 75% 219 है ना। ये सॉल्यूशन है इसका, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जैसे मैंने आपको समझाया जस्ट बिल्कुल सेम है ना। तो ये जो पार्ट है सी वाला क्वेश्चन देख लो, वो बोल रहे हैं सेवन्थ बी में 65% स्टूडेंट है, ठीक है 65% स्टूडेंट बॉयज़ है, सॉरी जो क्लास सेवन्थ बी है उसमें 65% बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 26, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ 26 है और परसेंट में 65 है। तो आपको बताना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, टोटल बॉयज़ 26 हैं और बॉयज़ का परसेंटेज 65 है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास बी एक्स, ये लिखा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास एक्स है, एक्स का 65% कितना है 26। ये सॉल्व किया एक्स का 65% 26 है, ये सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ 40, मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 40। अब अगर 40 बच्चे हैं 26 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने होंगे, 40 - 26 दैट इज 14। ओके ये सॉल्यूशंस मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है ना, इसका पीडीएफ मैं डालूंगा आप देख सकते हो इसके सॉल्यूशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर डी भी देख लो, वो बोल रहे हैं अ मैन स्पेंड 3% ऑफ हिज सैलरी ऑन बुक्स, फाइंड द सैलरी इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन बुक्स इज 360। सेम क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं एक मैन की अपनी सैलरी का 3% बुक्स में खर्च करता है, 3% बुक्स में खर्च करता है और ₹360, मतलब परसेंट में 3% और रुपीज़ में 360 दोनों सेम है। तो टोटल सैलरी भी एक्स, एक्स का 3% 360 है। ये देखो ये एक्स का 3% 360 है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है सॉल्व बाय योर ओन, इसके बाद बिल्कुल सेम मेथड है, इसी मेथड के थ्रू आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोल रहे हैं एक टाउन है, एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 18% बढ़ती है हर साल, हर साल 18% बढ़ती है। इफ़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 34,000, फाइंड द पॉपुलेशन दैट ईयर। ओके वो बोल रहे हैं हर साल 18% बढ़ती है, 18% कितना हुआ 34,000, दोनों सेम है, टोटल पॉपुलेशन फाइंड करना है। लेट द टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, तो एक्स का 18% 34,000 है। सेम कंडीशन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है x का 18% 34,000 है, सॉल्व बाय योर ओन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका अ मैन 15% इनकम रेंट पे खर्च करता है, ये देखो 15% इनकम रेंट पे, 44 फूड पे, 10% एंटरटेनमेंट पे। अब वो सेव कितना करता है 10% और एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, जितना बचा उतना, तो टोटल कितने परसेंट होते हैं 100%। 100 में से 15 + 44 + 10 + 10 जितना भी आया उसको 100 से माइनस कर दो तो वो एजुकेशन में उतने परसेंट खर्च करता है ना। अब वो बोल रहे हैं उसकी सेविंग कितनी है 2500, तो उसकी इनकम फाइंड करना है और हाउ मच स्पेंड ऑन ईच कंपोनेंट। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, बहुत समझना है आपको। 15% किस में खर्च करता है, रेंट में, 44 फूड पे, 10% एंटरटेनमेंट पे, अगेन 10% सेविंग पे और 21% एजुकेशन पे। देखो मैंने यहाँ लिखा है हमको पता है टोटल 100% होते हैं, इन सबको प्लस किया यहाँ तक तो कितना आया 79 को 100 में माइनस किया तो कितना आया 21। ये टोटल उसके परसेंटेज में एक्सपेंसेस आ गए। अब देखो वो बोल रहे हैं क्वेश्चन पे लिखा था उसकी सेविंग कितनी है 2500 और यहाँ परसेंट में कितनी सेविंग है 10%, दोनों सेम है। तो उसकी टोटल इनकम लेट एक्स ले ली, यहाँ लिखा है देखो टोटल इनकम भी एक्स, एक्स का 10% 2500, ये देखो ये लिखा एक्स का 10% 2500, ये सॉल्व किया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25,000। अब 25,000 में आपको बताना है रेंट में कितना खर्च किया 15%,
तो देखो 15 25,000 का 15% कितना आ गया 3750। रेंट के बाद फूड 44%, तो 25,000 का 44% 11,000। देन 25,000 का 10% एंटरटेनमेंट में, तो 2,500। 25,000 का 10% सेविंग में ऑलरेडी मेंशन है ना, कितना मेंशन है ये ऑलरेडी लिखा था। और 25% का 21% कितना 5,250। तो दैट सॉल्व ये क्वेश्चन नंबर एफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6-5 देख लो, वो बोल रहे हैं फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट। ओके, परसेंट फाइंड करना है, ध्यान से क्वेश्चन देखो। वो बोल रहे हैं एक टीवी थी, पहले 23,000 की थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 24,000 की। तो कितना नॉर्मल पैसे कितने बढ़े, ऑब्वियसली बात है 1,000 बढ़े, लेकिन उस 1,000 को परसेंट पे बताना है। पहले 23,000 की थी, अभी 24,000 की हो गई, तो कैसे करोगे ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये मैंने सॉल्व किया है, कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी थी पहले 23, अब न्यू कॉस्ट कितनी हो गई 24। तो प्राइस इंक्रीज, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ 1,000। अब इसको आपको परसेंट पे बताना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला है, मैंने बेसिक्स में बताना आपको भूल गया हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो ध्यान से सुन लो एक बार। परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स, देखो एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल डिफरेंस का मतलब ये दोनों प्राइस को माइनस कर दोगे तो वो एक्चुअल डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस कितना आ रहा है 1,000 है ना, डिफरेंस का मतलब यही होता है ना माइनस। या डिफरेंस से आप माइनस ना समझ के आप ये समझ लो कि डिफरेंस वो कंडीशंस होती हैं जिसका परसेंट आपको निकालना है। किस चीज़ का परसेंट निकालना है 1,000 का। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो ओरिजिनल प्राइस होती है, अब वो बढ़ी घटी उससे मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो एक्चुअल डिफरेंस के नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो एक्चुअल प्राइस आएगी, वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो एक्चुअल डिफरेंस कितना आया, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, एक्चुअल डिफरेंस कितना आया 1,000, तो ये 1,000 लिखा। ओरिजिनल वैल्यू 23,000, ओरिजिनल वैल्यू ये है 23,000, बढ़ के 24 हुआ था ना, ओरिजिनल वैल्यू यही रहेगी, अपॉन 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। तो परसेंटेज चेंज कितना 4.34%। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, लिखा हुआ है अ मैन स्पेंड 12% ऑफ हिज सैलरी ऑन कम्यूटिंग, इफ़ ही स्पेंड ₹480 ऑन ट्रेवल फाइंड इट सैलरी। सेम क्वेश्चन है, कम्यूटिंग का मतलब ट्रैवलिंग, घूमना, सब एक ही चीज़ है ना। तो वो बोल रहे हैं एक मैन है जो 12% अपनी सैलरी ट्रैवल पे खर्च करता है और ₹480 भी ट्रैवल पे खर्च करता है, मतलब ये दोनों सेम कंडीशन है, 12% भी सेम है और 480 भी सेम है। तो फाइंड इस सैलरी फाइंड करना है, लेट द सैलरी बी एक्स, एक्स का 12% कितना 480, तो टोटल सैलरी आ जाएगी। देखो मैंने किया होगा ये, एक्स का 12% 480 है, बस सॉल्व किया, उसकी सैलरी कितनी है 4,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, राम रिसीव 10% इंक्रीज इन सैलरी एंड नाउ ही गेट 88,000, फाइंड इट प्रीवियस सैलरी। ओके, वो बोल रहे हैं राम को इस बार 10% सैलरी बढ़ के मिली, कितनी मिली 88,000 है ना, तो उसकी पहले वाली सैलरी कितनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेंटेटिव है, 10% सैलरी उसकी बढ़ी है और बढ़ने के बाद कितनी मिली 88,000, तो पहले की सैलरी कितनी थी, पहले कितनी मिलती थी। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे रफ पे लिख के बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने आपसे बोला राम की पहले सैलरी कितनी थी एक्स, इतनी मिलती थी, अब इसमें कितनी बढ़ी 10%, किसका, जितनी पहले मिलती थी उसका 10% बढ़ के मिला ना, तो प्लस 10% ऑफ एक्स, कितनी मिली 88,000। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, पहले उसकी सैलरी इतनी थी प्लस 10% बढ़ गई, इसकी 10% बढ़ी इक्वल्स टू 88,000, प्रेजेंट में इतनी है। देखो ये राम की सैलरी 88,000, 10% बढ़ गई, प्रीवियस सैलरी एक्स ले ली, एक्स का 10% ऑफ एक्स, पहले इतनी सैलरी थी प्लस 10% जुड़ के इतनी मिलने लगी। तो सॉल्व किया, देखो सॉल्व कैसे किया, बहुत ध्यान से देखना है इसको, एक्स अपॉन 1 प्लस 10% किसका एक्स का, तो 10x अपॉन 100 लिखा है, 0 कैंसिल इक्वल्स टू 88,000। देन एलसीएम किसका निकालेंगे, 1 और 10 का 10 आएगा, 10 1 की टेबल में 10 टाइम्स 10 इंटू एक्स 10x, ये प्लस का साइन, 10 की टेबल में 1 टाइम 1 इंटू एक्स एक्स इक्वल्स टू सेम,
अब 10x + x 11x/10 ये लिखा देखो, ये 11x/10 = 88,000/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11x बन जा 11x, 10 × 88,000 ये 11 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 11 बन जा 11, 11 8 जा 88 और 3 जीरोस, तो उसकी प्रीवियस सैलरी x आ गई कितनी, 80,000। क्लियर? ये वीडियो देखोगे, पीडीएफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यहाँ पे, फाइंड x इफ 10% ऑफ इट इज कितना 210, वो बोल रहा है x फाइंड करना है, अगर x का 10% 210 है, तो देखो ये लिखा फाइंड x, तो x का 10% तो क्या किया, 10x/100, x का 10% ना, तो 10x/100 कितना है 210, 00 कैंसिल, बचा क्या x/10 = 210/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x × 1x और 10 × 210 2100, ये आ गया सॉल्यूशन। ओके, तो बाकी रेस्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको बना के डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। कोई प्रॉब्लम होती है एलएमएस व्हाट्सएप में मुझे आप फ़ोन कर सकते हो, बता सकते हो यहाँ प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगा। देन अप टू नाउ, थैंक यू।